मैं गोवा में था कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए, तो वहां पर मेरा कुश्ती हो गया, नूरा कुश्ती है ना। तो मैंने बोला यार यू हैव टू बिलीव इन गॉड, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू बिलीव इन गॉड। सबसे पहली मेरी पृष्ठभूमि है और ये मानता हूं कि आपको भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहां से ये निकालेंगे वहां से कोई नहीं निकालेगा, जहां से ये निकालेंगे वहां से तुमको कोई नहीं निकालेगा, और जहां सब छोड़ देंगे ये नहीं छोड़ेगा। तो यू मस्ट बिलीव इन गॉड। तो एक लड़का खड़ा हुआ, 200 लोगों का वर्कशॉप था, उसने बोला तुमने कभी अनुभव किया है कि होता है? जब तक अनुभव नहीं किया तो मानते क्यों? उसने मुझसे काउंटर किया कि तुम मानते हो है? मैंने कहा यकीनन है। बोला तुमने कभी अनुभव भी किया है इस चीज का? तो मैंने बोला मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया। तो बोला फिर कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ईश्वर? फंस गया मैं भी, मरता क्या ना करता, पलट के जवाब दिया। मैंने पूछा जहर खाने से क्या होता है? बोला मृत्यु। तो मैंने कहा तुमको कैसे पता, कभी अनुभव किया है तुमने? हाउ डू यू नो? तुमने कभी अनुभव किया? मैंने बोला, बोला नहीं हमने तो अनुभव नहीं किया। उनका पता कैसे? बोला जिसने खाई उसकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर्स कहते हैं इसलिए उनकी बात मानते हैं। मैंने कहा जो मर गया उस पे विश्वास कर सकते हो, जो डॉक्टर है उस पे विश्वास कर सकते हो, तो वेद पुराण ग्रंथ अपने अंदर न जाने कितने इंसिडेंट्स बता रहे हैं, उन पे भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता? कि कोई तो है जिन्होंने अनुभव किया है, हमने आपने नहीं किया, लेकिन कोई तो है जिसने ऑलरेडी अनुभव किया है, क्या ये संभव है? तो 200 लोगों का प्रोग्राम था, उसमें से 195 लोगों तो मेरी बातों से सहमत थे, 5 कुंभकर्ण टाइप बैठे थे वहां। मेरे हर प्रोग्राम में पाए जाते हैं, ईश्वर का ये भी वरदान है मुझे कि जहां जहां जाएगा तेरे पीछे लगेंगे ये। तो 3-4 बोले सारी बात है तो ठीक है, लेकिन सर कुछ प्रैक्टिकल बताओ ना यार, ये तो ठीक है हमें तो गीता ज्ञान के लिए अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा प्रैक्टिकल के लिए तुमको इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलना पड़ेगा, जो वो कॉन्फ्रेंस रूम था, जो बैंकेट रूम था, तो 200 लोगों को लेके मैं बाहर निकला, ये गोवा की बात है, होटल लीला, तो वो 200 लोगों को लेके मैं बाहर आया। थोड़ी सी मैंने कहा मेहनत लगेगी, अभी प्रूफ करते हैं यही तुरंत, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को, तो मैंने कहा दर्शन करा दूं अगर आज तो मान जाओगे? उसने बोला हुजूर कमाल हो जाएगा। तो मैंने कहा आओ बाहर। 200 के 200 लोगों ने मेहनत करी, लीला से बाहर निकले, स्विमिंग पूल था वहां पे बहुत शानदार सा, पेड़ लगे हुए थे, सामने सी समुद्र था। तो जब बाहर निकले तो मैंने कहा कितने लोगों को विश्वास नहीं है कि होते हैं? तो 4 अलग हो गए, 196 अलग हो गए। तो मैंने बोला तुम 4 की गरारी अटकी हुई है अभी? बोला हाँ। मैंने कहा पेटी बंद है तुम्हारी? बोला हाँ। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, अब मुझे बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो? तो उसमें से एक आदमी बोला हम मुंबई से आए हैं सर, है ना, वी बिलोंग्स टू मुंबई। कहाँ रहते हो? बोला अंधेरी में रहते हैं। कहाँ रहते हो? फ्लैट है, अपार्टमेंट है, कैसे हैं? तो बोला फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने कहा कौन से फ्लोर पे रहते हो? तो बोला 5वें माले पे, 5th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा 5वें माले पे रहते हो, श्योर हो? बोला सर 100% श्योर है। तो मैंने कहा नहाते कैसे हो? बोले बड़े अजीब सा सवाल पूछ रहे, नहाते कैसे? बाथरूम में जाते हैं, शावर चलाते हैं, नहाते? तो मैंने कहा पानी शावर में से आता है? बोला आता तो शावर में से है, पीछे टैंकी का होता है। तो मैंने कहा टैंकी का होता है? बोला नहीं टैंकी का नहीं होता, वो नीचे टैंक में से आता है, पहले म्यूनिसिपैलिटी का पानी टैंक में जमा होता है, फिर 5वें फ्लोर पे 6 फ्लोर पे एक टैंक रखा हुआ है सिंटेक्स का हमारा, कम से कम 1000 लीटर का, वहां इकट्ठा होता है, फिर वहां से पाइप के थ्रू आता है और हम। तो मैंने बोला नीचे टैंक से ऊपर के टैंक में जाता कैसे? बाल्टी बाल्टी लेके जाते हो? बोला बाल्टी बाल्टी लेके काय को जाएंगे, मोटर लगाइए, मोटर चलाते हैं तो पानी ऊपर जाता है। तो मैंने कहा मोटर क्यों लगानी पड़ती है? बोला ऐसे जाएगा कैसे, ग्रेविटी जाने नहीं देगी, इतना तो प्रेशर थोड़ी ना होता है कि 50 फुट पे ऊपर चला जाए। मैंने कहा बस यही तुमको सुनना था मुझको। बोला मतलब क्या है? मैंने बोला ये नारियल का पेड़ है, 50 फुट पे नारियल लगा है, मोटर ढूंढो कि पानी नीचे से ऊपर जाता कैसे। 50 फुट पे वो नारियल लगा है, अब तुमको मोटर ढूंढनी है कि पानी नीचे से, कौन किसका बाप बैठा है नीचे जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है और 50 फुट पे नारियल के अंदर जाके टपका देता है, ढूंढ के लाओ रे, चलो चलो चारों जाओ। वो बोला बात तो ठीक कह रहा है लड़का है, ग्रेविटी मैंने कहा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो 4 में से 2 की विकेट गिर गई, 2 की पेटी बड़ी थी, ताला बड़ा था, समय ज्यादा लगा। 2 ने बोला बात तो जम गई लेकिन कुछ और समझाओ। चलो मैंने बोला मैंने तुमको देखा जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने गया रेस्टोरेंट के अंदर, तो तुम लोग नहा रहे थे स्विमिंग पूल में। बोला हाँ हाँ सर, हम जरा सुबह सुबह थोड़ा सा यू नो नहाते हैं, वेरी गुड। मैंने कहा लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो तुम जिम भी कर रहे थे। बोला हाँ सर, हम पहले जिम किया, आधा घंटा पसीना बहाया खूब दबा के और अब नहाने घुस गए। मैंने कहा लेकिन जिम करते वक्त मैंने एक चीज तुम्हारी नोट करी। बोला क्या? मैंने कहा बार बार ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? बोला ऐसे ऐसे ये कर रहे थे कि स्वेटिंग होती है तो पसीना बाहर निकलता है। मैंने कहा पसीना बाहर कैसे निकलता है? बोला पोर्स है, पोर्स छिद्र,
छिद्र में से पानी बाहर जाता है। मैंने कहा छिद्र में से पानी बाहर जाता है? बोले हाँ। मैंने कहा जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? बोला बात तो ठीक कह रहे। ऐसा कौन सा शटर लगा है साला, ऐसा कौन सा ढक्कन लगा है जिसको पता चल जाता है कि जिम में गया खुल जा और नहा रहा है तो बंद हो जा? बोला हुजूर बात तो तुम बिल्कुल दावे की कह रहे हो, ऐसा कोई बटन? अब ये गणित समझना मत मैंने कहा तुम लोग, बस कुछ चीजें समझना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी की बुद्धि इतनी विस्तार में नहीं गई कि इन बातों को समझ सके। एक ही मिट्टी होती है, एक ही खाद होती है, एक ही पानी होती है, मिर्ची भी वही उगाती है, गन्ना भी साला वही उगाती है। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही खाद, मिर्ची भी पैदा करते हैं और पड़ोस के खेत में गन्ना भी। अबे गणित क्या है हमको नहीं पता। वही सूरज जो जनवरी और फरवरी में कितना मीठा लगता है जून जुलाई में फाड़ देता है। क्या गणित है अपने को नहीं पता। और समझने की कोशिश अपन